नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये तीन कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसको मैंने 24 फंदे बनाए, इसमें चार के सेट में फंदे पड़ते हैं। आप इसको कितना बड़ा और छोटा बना सकते हैं। आपको डोरमेट मेरा पसंद आए तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कैसा लगा। ये हमारे तीन कलर हैं जिसको मैं ये डोरमेट बनाऊंगी और इसमें ये मैं ये ब्राउन कलर से 24 फंदे डालूंगी। तो मैंने इसको 24 फंदे का बनाया है, आप इसको कितना बड़ा और छोटा बना सकते हैं। तो मैं इसमें इस तरह से बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4 मैं इसी तरह से 24 फंदे डाल लेती हूँ। अब ये हमने 24 फंदे इसमें डाल लिए हैं। तो अब ये इसमें देखिए डिजाइन हम लोग पहली सिलाई से स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा उतार लेंगे, धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये देखिए ये 2, एक फंदा हमने उतारा, एक बिंदिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये हमने 14 फंदे इसमें ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना ये दूसरा कलर। तो दूसरा मैं ये कलर लगाऊंगी ब्लू। तो इससे अब हम इस तरह से ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 फंदे हमने ब्लू के लिए और ये 2 फंदे हम बिना बिने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। सीधी सिलाई में हम ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 फंदे हमने ब्लू वाले में लिए धागा पीछे और इसको इस तरह से आगे कर देंगे और इसको यहाँ से हम आगे ले आएंगे ब्राउन वाले को और इसको खींच के टाइट कर देंगे। अब मैं इसे खाली ब्राउन से पूरा फंदे यहाँ लास्ट तक उल्टा उल्टा बिन लूँगी तो हमारी ये सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मैं पूरा इस तरह से बिन लेंगे। तो सीधी सिलाई हमें हर बार इसी तरह से बना के कंप्लीट करनी है, जो जैसा कलर है। अगर यहाँ पे तीन कलर जुड़ेंगे तो तीनों को सेम कलर से बिनना है। सीधी सिलाई में हमारी कोई डिजाइन नहीं पड़ती, सेम ऐसे ही रहता है। तो ये देखिए हमने ये सीधी सिलाई बना ली पूरी। अब फिर से आ गए हम उल्टी साइड में। फिर उल्टी साइड में आने पे फिर देखिए पहला फंदा फिर उतारेंगे, धागा आगे और ये ब्राउन वाले हम फंदे बिन लेंगे। तो उस बार हमने 12, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये देखिए हमने फंदे बिन लिए। तो ये हमारे 12 फंदे बिन गए। अब ये 2 फंदे हैं, इस धागे को ऐसे करेंगे और ये 2 फंदे को हम ब्लू से बिन लेंगे। तो ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फंदे बिने और 2 फंदे हम बिना बिने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के आ जाएंगे सीधी साइड में। सीधी साइड में हम पूरे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे, जो जैसा कलर, जैसे मैंने पिछली बार बिना तो सेम उसी तरह से हमें बिनना है। तो मैं ये पूरा बिन लेती हूँ। अब ये देखिए मैं सीधी सिलाई पूरी बना ली। फिर से हम सिलाई पलट के आ जाएंगे उल्टी साइड में। उल्टी साइड में फिर हम पहला फंदा हर बार उतारेंगे जैसे उतारते हैं, सारे फंदे बिनेंगे यहाँ तक, 2 फंदे बचेंगे फिर हम आग बताएंगे। अब ये सारे फंदे हम ब्राउन वाले बिन लिए और ये 2 फंदे हैं, इस धागे को ऐसे करेंगे और ये 2 फंदों को हम फिर ब्लू से बिन लेंगे। अब ब्लू के फंदे हम हर बार 8 ही बिनेंगे। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 फंदे हम फिर बिना बिने छोड़ दिए और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड। और सीधी साइड इसी तरह से हमें हर बार बनानी है।
अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना ली, तो ये देखिए हमारी डिजाइन हल्की हल्की सी नजर आने लगी। अब हम फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा फिर बिनेंगे। इसी तरह से हमें हर बार बनाने हैं और ये दो दो फंदे हम लू के फंदे लेते हुए ऊपर तक आ जाएंगे। ये देखिए फिर बिन लिए, फिर धागा ऐसे किए, अब दो फंदे हम फिर से बिन लेंगे और ये ब्लू के हर बार हमें आठ फंदे बिनना है और दो दो फंदे, आठ फंदे हम बिनेंगे तो दो दो फंदे छूटते हुए हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे। जब ये दो फंदे ब्राउन के रह जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। हमें हर बार इसी तरह से बनाना है। अगली बार ये सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे बिन लेंगे, अगली बार जब फिर से वापस आएंगे फिर दो फंदे को हम ब्लू से बना लेंगे। इसी तरह से दो दो लेते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। जब ये दो फंदे बचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि आगे डिजाइन कैसे बनानी है। तो ये मैं पूरा इसी तरह से बना लेती हूँ। अब ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है। अभी हमारे ये चार फंदे बचे हैं तो उनको भी हमें इसी तरह से करना है। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे, अब ये दो फंदे को हम फिर से ऐसे ब्लू से बिन लेंगे। तो ब्लू के हर फंदे, हर बार हमें आठ ही फंदे बिनने हैं। तो हमारे दो, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और यहीं से पलट लेंगे। तो ये देखिए हमारे इधर ये दो दो करके हमने यहाँ तक फंदे छोड़ दिए हैं और सीधी सिलाई तो हमें हर बार इसी तरह से बनानी है। तो मैं ये सीधी सिलाई बना लूँगी पूरी ब्लू वाले ब्लू से, और ब्राउन के हमारे दो फंदे हैं तो उनको हम दो फंदे ही बिनेंगे। तो इसी तरह से हमें सीधी सिलाई हर बार बनाना है और धागा हमें इसी तरह फंसाना है। इसको ऐसे करेंगे और इसको खींच के आगे ले आएंगे तो एकदम डिजाइन सफाई से आती है, ना ही कहीं झोल पड़ता है और हमारे इस डोर पे में ना ही कहीं झोल आएगा ना कोई सिकुड़न। ये देखिए इस तरह से इसमें हमने 24 फंदे डाले हैं। आप इसमें चार के सेट में फंदे डालिए या दो के सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी फंदे डालेंगे इसमें हमें अपने हिसाब से फंदे कम ज़्यादा करने हैं। फिर अब ये देखिए हमारे दो फंदे ब्राउन के हैं, इनको ब्राउन ही रहने देंगे। ये देखिए दो, अब हमने ये हमारी एक तरह से हाफ कली बन के तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से अब हमारे ये दो फंदे, इनको दो ब्राउन के लेंगे और दो फंदे हम यहाँ से बिना बिने ले लेंगे, एक दो। तो अब हमारे चार फंदे ब्राउन के हो गए और इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको खींच के थोड़ा टाइट करेंगे और इसके फंदे हम आठ बिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे ये हमारे, दो फंदे हम यहाँ से बिना बिने ले लेंगे, सात और आठ। और इस नवे फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे और सीधी सिलाई में इसको इसी में फिरो देंगे, बिनेंगे नहीं, सिर्फ हमें लूप लगाना है। और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना लेंगे जो जैसा कलर है। तो ये ब्लू वाले ब्लू से और ब्राउन वाले ब्राउन से, ये देखिए फिर धागा ऐसे किया, इसको इस तरह से इसको खींच के आगे लाए। तो अब ये हमारे ब्राउन के चार फंदे हैं, इनको चार बिनेंगे। अब हम अभी हमने धीरे धीरे करके ब्राउन के फंदे कम कर दिए थे, पूरे दो फंदे यहाँ छोड़े थे। अब उसी तरह से अब हम फंदे ब्लू के कम करेंगे। पहले हमारे ब्लू के फंदे यहाँ तक बढ़ते गए, अब हम ब्राउन के बढ़ाएंगे। तो ये देखिए फिर इसी तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे, और ये देखिए एक, तो हमने ये हमारे दो फंदे एक उतारा एक बिन लिया, दो तीन चार, अब दो फंदे हम यहाँ से बिना बिने फिर ले लेंगे, पाँच छः, तो ये बिन लिए, इसको खींच के टाइट किया और इसको इस तरह से अब आठ फंदे हम फिर बिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये देखिए हमारी सातवें फंदे पे लूप लगाए। तो दो फंदे हम यहाँ से ले लेंगे, सात आठ, तो ये इस तरह से हो गया। अब इस फंदे पे हम फिर नवे फंदे पे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट के इसी लूप इसलिए लगाते हैं दोस्तों कि हमारी यहाँ पे जाली ना पड़े, जो हमारे फंदे का जो डिफरेंट रह जाता है गैपिंग, वो गैपिंग नहीं होगी। फिर ये पहला फंदा इस तरह से उतारा, इसको टाइट किया और ये बिन लिया। तो मैं सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट करती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। तो अभी तक हमारी डिजाइन ये ऐसे गई थी, अब ये डिजाइन नीचे की तरफ जा रही है इसी तरह से। तो अब हमें फिर उसी तरह से फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, और ये दो तीन चार पाँच छः, तो हमने ये ब्राउन के सारे फंदे, अब दो फंदे फिर ब्लू के ले लिए। इसी तरह से हमें हर बार करना है। तो ये दो फंदे हमने ब्लू के ले लिए और इसको खींच दिया और ब्लू के हम आठ फंदे बिनेंगे, एक दो
तीन चार पाँच छ सात आठ। तो ये ब्लू इसी तरह से हम हर बार बनाएंगे। तो हमारी डिजाइन हम नीचे की तरफ जाएगी और इस पहले फंदा फिर उतार देंगे। तो इस आठ फंदे हमने बिने हैं, तो नौ फंदे में हर बार हमें लूप लगाना है। तो हम पूरे ब्लू के ले लेंगे यहाँ तक, तब मैं आपको फिर बताऊंगी। और सीधी सिलाई हमें इसी तरह से बनाना है। अगली बार आएंगे तो फिर ब्लू वाले दो फंदे फिर ब्राउन से बिनेंगे। इसी तरह से डिजाइन अब हमारी नीचे की तरफ जा रही है। तब ये दो फंदे ब्लू के बचेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। इसी तरह से मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ। अब ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है। अब फिर ये देखिए पहला फंदा उतारा, धागांगे किया और ये देखिए दो, एक हमने उतारा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। दो फंदे हमने ये ब्राउन के फिर से ये बिन लिए ब्लू के ब्राउन से। तो ये हमारे चौदह फंदे। अब इस धागे को ऐसे करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक आठ। तो ये हमने आठ फंदे बिने। अब ये दो फंदे हमारे ब्राउन के बचे, यहीं से हम इसी तरह से यहाँ से पलट लेंगे इस तरह से। तो इस फंदे में भी हम ये देखिए इसमें ऐसे इसके बीच से लूप लगा देंगे ये ब्राउन कलर से, और इसको खींच के पूरा सीधी सलाई ऐसे ही बना लेंगे। पूरा ब्लू वाले ब्लू से और ब्राउन वाले ब्राउन से बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी लिप्स बन के तैयार हुई है। अब ये देखिए हमने बना लिए। अब ये कली में अब हमारे ये दो फंदे हमें ब्राउन के लेने हैं। तो अब हम पहला फंदा उतार लेंगे। अब धागा इस तरह करेंगे, अब हम पूरे फंदे यहाँ तक बिन लेंगे ब्राउन से उल्टा उल्टा। अब ये देखिए हमने ब्राउन के बिने। अब ये ब्लू के फंदे हैं, इनको भी अब हम ब्लू, अब ये पूरी लाइन बिन लिया। अब ये हम ब्लू वाले फंदे भी ब्राउन से पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे। इसी तरह से ये पूरी लाइन अब हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब ये देखिए ये हमने पूरे यहाँ तक बिन लिए। तो ये देखिए, तो अब ये हमारी पूरी एक लीव्स बन के तैयार हो गई। अब सीधी सिलाई में फिर हम पहला फंदा उतार लेंगे और इसको इस तरह से आगे से खींच के इस तरह बिन लेंगे। तो अब ये मैं पूरी सिलाई यहाँ तक उल्टा उल्टा बिन लेती हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से हमें पूरा लास्ट तक बिनना है। तो मैं बिन लेती हूँ। अब ये देखिए मैं सीधी सिलाई पूरी बिन ली। अब हमें यहाँ से क्या करना है फिर बताना है। ये बीच की हमें कली बनानी है। तो हम किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए अब हम लगाएंगे अपना ये येलो कलर। तो येलो कलर लगाने के लिए ये पहला फंदा हमने इस तरह से यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे और इसको बीन लेंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ से बढ़ गया। तो हम दो इस धागे को ऐसे करेंगे और दो फंदे हम ये येलो से बीन लिए और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड आ जाएंगे। सीधी साइड में हम ये तीन फंदे हो गए क्योंकि दो हमने बीने एक बढ़ाया। तो ये इस तरफ से ऐसे अब फिर से पलट के आ गए उल्टी साइड में। फिर इसी तरह से पहला फंदा इस तरह से पिरो के ऐसे हमें घुमा के लेना है। तो एक फंदा ये हमारा बिन लेंगे तो बढ़ गया, दो तीन चार हो गए और दो फंदे हम ये फिर से ब्राउन वाले ले लेंगे। तो ये देखिए एक दो और यहीं से सिलाई फिर पलटेंगे और सीधी सिलाई पूरी ऐसे बिन लेंगे। तो हर बार हमें ये देखिए इसी तरह से सीधी सिलाई बनानी है। अब फिर से सिलाई पलटा, फिर ये किया और इस धागे को इसके ऊपर ऐसे राउंड किया। फिर दो एक फंदा हमने फिर बनाया। तो इसी तरह से हमें हर बार यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है और पूरे फंदे अब हम येलो के फिर बिन लेंगे
ये देखिए बिन लिए। अब दो फंदे हम फिर ब्राउन वाले येलो से ले लेंगे। तो अब हमें इसी तरह से बनाना है। फिर धागा आएंगे, सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सीधी सिलाई हम पूरी बिन लेते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। फिर आगे उल्टी साइड में फिर एक फंदा ऐसे बढ़ा लिया, इस धागे सिलाई को फिर रो के एक ऐसे कर लेते हैं तो एक फंदा बढ़ जाता है। तो ये देखिए हमने एक फंदा बढ़ाया। तो हर बार हम एक एक फंदा बढ़ा रहे हैं और पूरे और नीचे से हम दो फंदे ब्राउन वाले बिनते जा रहे हैं। तो ये पूरे फंदे हम इसी तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए पूरे येलो वाले बिन लिए। अब दो फंदे हम फिर से ये ब्राउन वाले येलो से बिनेंगे। तो हमें इसी तरह से पूरा बिनना है और यहाँ तक बिनेंगे। तो ये हमारे ये 10 फंदे थे, ये 8 फंदे ये यहाँ तक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो 10 फंदे यहाँ तक बिनेंगे, दो फंदे ये 12 फंदे हम ब्राउन के नहीं बिनेंगे और ये दो दो करके लेते हुए यहाँ नीचे तक आ जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे हमारे बड़ के फंदे हो गए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 हो गए। और ये दो फंदे हम उस बार आएंगे तो दो लो लेंगे और ये 4 फंदे हमें लेना है। तो 2 सिलाई में हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे और 2 फंदे यहाँ पे बढ़ जाएंगे और यहीं से सिलाई पलटेंगे। तो हर बार हमें ऊपर की तरफ एक फंदा बढ़ाना है और नीचे से 2 लेने हैं। तो अब हमने यहाँ तक ले लेंगे और 12 फंदे ये रह जाएंगे ब्राउन के, इनको नहीं लेंगे। तो अभी हम पूरा इसी तरह से बिन लेते हैं। अब ये देखिए हमने यहाँ तक बिन लिए हैं। अभी हमारे एक बार हमें और बनाना है। तो इस धागे को फिर से पहला फंदा बढ़ा लिया। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये 6 फंदे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 2 फंदे हमें यहाँ से ले लेंगे, 17, 18 और यहीं से पलट लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे फंदे बिना बिने हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 12 फंदे हमारे ये ब्राउन के हैं और यहीं से सिलाई पलटेंगे। अब कितना भी बड़ा बनाएंगे तो हमें उसी तरह से ये 12 फंदे हमें नहीं बनाने हैं। फंदे ये डिजाइन बड़ी हो जाएगी लेकिन यहाँ के फंदे 12 ही रहेंगे। और इसको सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना लेंगे जो जैसा कलर है। तो अभी हमारा ये खाली एक ही कलर है तो हम एक ही कलर से बीनेंगे। तो ये पूरी लाइन हम सीधी कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। अब हमें क्या करना है, अभी हमने जो एक एक फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं उन्हीं फंदों को अब हमें घटाना है। तो अब हम ये देखिए 2 फंदे का एक कर देंगे। ये 2 फंदे को एक साथ बिन लिया, एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया और ये पूरी लाइन अब हम फिर से इसी तरह से बिनेंगे उल्टा उल्टा। अब हमारा अगर डोरमेट बड़ा हो जाएगा तो हमें खाली ये इसी तरह से डिजाइन बनानी है। ये कली और बड़ी हो जाएगी, डिजाइन बड़ी हो जाएगी और फंदे लेने का सेम तरीका है हमें। और 2 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये देखिए 2 फंदे बिना बिने यहाँ पे छोड़ दिए और सीधी सिलाई पूरी बिन लेंगे उल्टा उल्टा। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बिन ली, फिर उल्टी साइड, फिर 2 फंदे को एक साथ कर देंगे, 2 को एक बिन लिया। अब बाकी हम फंदे फिर उल्टे उल्टे बिनेंगे इसी तरह से। ऊपर से हम हर बार अब उल्टी सिलाई में एक एक फंदा घटाएंगे और नीचे से हम 2 फंदा छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो अब हमारे येलो के 4 फंदे छूट गए और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। सीधी सिलाई पूरी ऐसे बिन लेंगे। तो मैं सीधी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। अब ये देखिए पूरी लाइन फिर बना ली, फिर अभी 2 फंदे का एक कर दिया इसी तरह से हमारे, ये देखिए। और यहाँ पे हमारे अभी 2, 4 छूट गए हैं। तो ऐसे 2-2 फंदे छोड़ते हुए हम आएंगे और एक फंदा हम ऊपर से घटाते जाएंगे इसी तरह से। जब पूरे घटा लेंगे, जब बीच में हमारे जब 3 फंदे बचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए हमने इस तरह बना। अब ये में 2 फंदे हम फिर से बिना बिने छोड़ देंगे। तो अभी हमारे 3 फंदे ऊपर से घट गए और ये 2-2 करके 6 फंदे हमारे छूट गए। यहीं से सिलाई पलटेंगे
तो ये इसी तरह से कंप्लीट करें। अगली बार आएंगे फिर एक फंदा यहाँ घटाएंगे और दो फंदे यहाँ पे छोड़ेंगे। जब तीन फंदे रह जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। चलो अब ये धागा, फिर ये भी, अब ये देखिए हमने यहाँ तक दो दो करके फंदे छोड़ दिए। अब ये देखिए हमारे तीन फंदे हैं, एक दो तीन, तो हमने ये पूरे फंदे छोड़ दिए। अब ये हमारे तीन फंदे, तो हमें एक फंदा और घटाना है। और ये देखिए हमारी कली ये इस तरह से कंप्लीट हुई है। तो अब इसको हम ऐसे करेंगे, अब ये दो फंदे का हमें एक फंदा करना है, तो मैं इसको अब ब्राउन कलर से, अब ये देखिए इसको ऐसे ब्राउन से दो फंदे का एक कर देंगे, घटा दिया। तो अब हमारे ये देखिए इस तरह से, और ये दो दो, ये देखिए तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, तो ये हमने बारह फंदे बिने। अब इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगा के और यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई पूरी हम बिन लेंगे। अब ये फंदा इसी में पिरो देंगे और सीधी सिलाई पूरी अब हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। अब ये देखिए मैं सीधी सिलाई पूरी बना ली। अब ये देखिए अब हमारी एक कली कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ से दूसरी कली बनानी है, तो हम कली का सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने शुरू में ये 24 फंदे डाले थे। तो हमारे ये 24 फंदे हो गए। तो अब ये पहला फंदा फिर उतारेंगे, धागाएंगे और ये देखिए दो, एक फंदा हमने और एक बिन लिया, तो दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, तो ये हमने 14 फंदे राउंड के बिन लिए। अब हमें यहाँ से सेम इसी तरह से बनाना है जैसे हमने शुरू में 14 फंदे बिने थे, 14 बिन लिए। अब इन फंदों से हमें 8 फंदे ब्लू से बनाना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और दो फंदे हमें बिना बिने हमारे ये छूट जाएंगे, यहीं से सिलाई पलटेंगे। अगर आप बड़ा डोरमेट बनाते हैं तो ये फंदे बढ़ जाएंगे और ये फंदे 8 ही रहेंगे ब्लू के, और ये दो फंदे एक बन, तो जब भी कितना भी बड़ा बनाएंगे तो ये हमारे ब्राउन के फंदे इधर बढ़ेंगे और ये डिजाइन हमारी 10 फंदे पे ही पड़ेगी। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारा बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए इसी तरह से ये मैंने डोरमेट बनाया, तो अभी इसमें मेरी 4 कलियाँ बनी हैं और ये टोटल 6 कली का डोरमेट बन के तैयार होगा। अगर इसी तरह से रिपीट करेंगे तो ये बहुत सुंदर डोरमेट बनेगा, ना ही हमारे डोरमेट पे कोई झोल आएगी ना सिकुड़न। तो ये इस कली से ऐसे हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए हमारी इस तरह से ये कली बन के तैयार होगी। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों।